तो नमस्कार और गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को, और स्वागत है आप सब लोगों का देहरादून शहर से, जो कि दिलों का शहर कहा जाता है। और भाई मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है अभी, और फाइनली बारिश रुक चुकी है। रोज़ रोज़ बारिश ही लगती है यहाँ, जब भी मैं देख रहा हूँ वीडियो बनाने की स्टार्टिंग जब से मैं कर रहा हूँ। और सुबह अभी हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय, और फिर चाय पी के जो है दिन की शुरुआत होगी हमारी, और फिर आगे की व्लॉगिंग हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा अच्छे से उबल चुका है, गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे हम चाय पत्ती। चाय पत्ती हल्की रखेंगे यार, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि फिर पीने में दिक्कत हो जाती है काफ़ी, मतलब बॉडी पे काफ़ी गर्म इफेक्ट होता है चाय पीने से यार। फिर वो हमें बिलीव हो जाता है ना कि चाय पी के गर्मी हुई तो वही दिमाग में घुस जाती है गर्मी, और सच में गर्मी हो जाती है। चाय हमारी अभी उबल रही है, चीनी चाय पत्ती और दूध हमने सब कुछ डाल रखा है। और तब तक मेरे पास है अमरूद, यहीं पे एक अमरूद का पेड़ है नीचे, इसे हम काट के देखते हैं कि सही है कि नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो है अमरूद को जो है सड़ा हुआ देखा, अंदर से कीड़े रहते हैं उसमें। सो इसे हम चेक करते हैं अभी। और भाई ये तो फिलहाल दिख सही रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जो है शक है इस पर यार, अंदर रहते हैं कीड़े इसमें, बाहर दिखते नहीं है, और वैसे ही मेरी नज़र कमज़ोर है तो भाई मेरे को ढंग से दिखेगा नहीं है। इसे पील ऑफ करके खाऊंगा, ऐसे इसमें कोई नहीं दिख रहा। जो खुद के पेड़ का अमरूद का स्वाद होगा ना, वो दुनिया में किसी भी बाजार में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहाँ आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। और यहीं मेरे पास एक डेट्स पड़ा हुआ है, इसे भी हम खा लेंगे। मैंने एक स्टडी देखी थी, और चाय उबल गई, बंद कर देते हैं। एक स्टडी के अनुसार आपको 2 या 3 डेट्स से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे लोगों को, फिर है ना हम एक ही खाएंगे। चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए एकदम से मस्त। और जब तक हम चाय पिए तब तक मुझे 2 eggs बॉयल करने हैं, 2 अंडे। 8-10 मिनट में मेरी चाय भी ख़त्म हो जाएगी और अंडे भी उबल जाएंगे। 8-10 मिनट बहुत है अंडे उबालने के लिए, तब तक चाय पीते हैं हम। लाजवाब नाश्ता पानी हमारा हो चुका है, और अभी यहाँ पे चल रही है किचन की डीप क्लीनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन है भाई, आदमी हम 2 ही हैं लेकिन बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं क्लीनिंग करने के लिए। और किचन की सफाई हम करेंगे और उसके बाद निकलेंगे बाहर की ओर, और आपको भी बाहर दिखाते कि हम जा कहाँ। वैसे हम रेगुलर एक ही जगह जाते हैं, देहरादून धर्मपुर, वहीं चलेंगे थोड़ी देर में। सो यहाँ पे हो रहा है श्रृंगार, क्योंकि हम चल रहे हैं बाहर। तैयार भाई, मैं तो आधे घंटे से बैठा हूँ, बट मैडम अभी तैयार हो रही हैं, फिर हम जल्दी से जल्दी बाहर चलेंगे। लेडीज के साथ यही होता है, उन्होंने सजने धजने में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम जाते हुए और हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है, तो आई होप कि रास्ते में बारिश ना लगे और हम जो है घर पे पहुंच जाएं सही से। घर पे पहुंचने के बाद बारिश हो कोई बात नहीं, लेकिन देहरादून का सीन आपको पता ही है, यहाँ पर कभी भी बारिश लग जाती है। मौसम यहाँ का ऐसा है कि अगर 2 दिन लगातार बारिश हुई ना तो ठंड हो जाती है, और 2 दिन लगातार धूप पड़े तो गर्मी शुरू हो जाती है। अगर गाड़ी आए और पीछे से ठोक दे भाई, रिकॉर्डिंग हो रही, गाड़ी का नंबर पता लग जाएगा। अगर हमें ना पता लगे तो आप लोग केस कर देना फिर। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ वॉक पर। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वॉक करूँगा या रनिंग करूँगा, ये आगे जाके डिसाइड करूँगा कि अभी क्या करने वाले हैं हम। आई थिंक वॉक बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ रनिंग, क्योंकि मौसम आज एकदम ख़राब है यार। चलो आगे चलते हैं अगली रोड। तो जैसे कि मैंने कहा था हम रनिंग नहीं करें, हम केवल वॉक करेंगे, तो आई थिंक कि मेरा डिसीजन सही था, क्योंकि काफ़ी बारिश और गीला है ये पिच रोड सॉरी, और इसमें दौड़ना स्लिपरी है, काफ़ी खतरा है यार स्लिप होने का। वॉक से मैं आ गया था घर उसी टाइम, और भाई वॉक पे जब मैं गया था उस टाइम मैंने रोड साइड पे खाए थे मोमोज, और एक चाप बनाया था सीख कबाब जैसा, वो था सोया का और बेसन का पीस के उसने भाई ने बनाया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं सोच रहा था शूट करने की, लेकिन वहाँ पे यार उस टाइम ना मूड नहीं बना शूट करने का, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और हल्ला बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और अभी मैं आ चुका हूँ घर, बाहर एज़ यूजल हमेशा की तरह बारिश ही लग रही है अभी, और डिनर हो चुका है हमारा रेडी, अभी हम खाएंगे डिनर अपना। और भाई साहब देखो डिनर में क्या क्या है, बताता हूँ आपको। आज डिनर में है हमारे पास सब्जी, ये सब्जी है आलू और मटर की सब्जी है शायद, और साथ में रोटी, और साथ में कम्प्लीमेंट्स अकम्प्लिश विद मिल्क, दूध के साथ। सो क्या है स्पेशल रेसिपी इसकी? कुछ नहीं है, आलू और मटर। आलू मटर, प्याज टमाटर डाला कि ऐसे भून के बनाया इसको?
सो इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, काफ़ी लंबी ये वीडियो हो जाएगी नहीं तो। और भाई ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, अपना डिनर ख़त्म करके कल सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग में। और इस महीने मैंने टारगेट रखा है कि डेली ब्लॉगिंग हम करेंगे एक महीने तक, तो एक महीने में ऑलमोस्ट 30 वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो भाई सपोर्ट करो, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पता है सबको, और हो सके तो कर दो यार। और भाई क्या कह रहा था मैं, हाँ अगर हमारे 3K जैसे सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद एक छोटा सा कुछ रखेंगे हम, तो जल्दी से जल्दी 3K सब्सक्राइबर पूरा करा दो। और फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तो तब तक के लिए गुड नाइट।